हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के दिग्गज विलन के बेटी के बारे में, यानी कि अमरीश पुरी की बेटी के बारे में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री में विलन कहे या गदर के अशरफ अली, हर कैरेक्टर्स में अमरीश पुरी छा गए। उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया। उनके डायलॉग आज भी काफी ज्यादा फैंस को पसंद आते हैं। हालांकि एक्टर्स ने साल 2005 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज हम उनकी बेटी नम्रिता पुरी के बारे में बताएंगे, जो कि खूबसूरती में बड़ी बड़ी अभिनेत्री को टक्कर देती है। नम्रिता भले ही लाइमलाइट से दूर रहती है, लेकिन अपनी ग्लैमरस अदाओं से सुर्खियों में बनी रहती है। नम्रिता पुरी को अपने पापा की तरह बॉलीवुड में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। वे अपने पेशे में सिविल इंजीनियर है और फिल्म करने का कोई खास ज्यादा इरादा नहीं है। वह पेपराजी और लाइमलाइट से काफी दूर रहना पसंद करती है। नम्रिता का अपना खुद का क्लोथिंग ब्रांड है। वे कई एक्सपेंसिव कपड़े डिजाइन करती है। उनकी डिजाइन की गई ड्रेस बड़ी बड़ी मॉडल्स पहनती है। नम्रिता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। वे एक से बढ़कर एक फोटो शेयर करती है, जिसे देखकर फैंस आहें भरते हैं, कहते हैं कि वह फिल्मों में क्यों नहीं आती। अमरीश पुरी साल 2001 सुपरहिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा में नजर आए थे। फिल्म में सनी देओल के खिलाफ दीवार की तरह खड़े रहे अमरीश पुरी अशरफ अली का किरदार निभाकर उसमें जान डाल दी। अशरफ अली के किरदार उनकी आंखों से नफरत के शोले बरसते हुए नजर आए थे। हालांकि गदर 2 में इनकी कमी फैंस को जरूर खलेगी। अमरीश पुरी को शुरू से ही एक्टिंग का शौक था। शुरुआत में उन्हें कई प्रोड्यूसर ने रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने एक्टिंग नहीं छोड़ी और थिएटर की तरफ रुख किया। 1970 में उन्हें देव आनंद की फिल्म प्रेम पुजारी में एक रोल प्ले किया। फिल्मों में अमरीश पुरी का विलेन किरदार कई हीरो पर भारी पड़ता दिखा, लेकिन 12 जनवरी 2005 72 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। फिल्म में दमदार अभिनय और बेहतरीन डायलॉग के लिए अमरीश पुरी को कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अमरीश पुरी की बेटी नम्रिता पुरी आने वाली किसी भी फिल्म में यहाँ पर अभिनय कर सकती है? अगर आपको लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल के साथ बने रहे सब्सक्राइब जरूर करें।